हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, इन चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके आप अपने ट्रेडिंग में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं एंड यू कैन गेट गुड प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इज डबल टॉप। सो फ्रेंड्स, डबल टॉप में क्या होता है कि जब भी कोई शेयर एक हाई लगाकर रिट्रेस करता है और फिर उस हाई को लगाकर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो इस पॉइंट से फ्रेंड्स वहां पे एक ब्रेक डाउन हो जाता है, यहां से एक ब्रेकआउट हो जाता है डाउनवर्ड, और इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं डबल टॉप। सो डबल टॉप अगर कहीं भी आपको चार्ट पैटर्न दिखता है तो वहां पे फ्रेंड्स आप इस चार्ट पैटर्न को अंडरस्टैंड करके एक ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स हेड एंड शोल्डर। दिस इज वेरी पॉपुलर एंड इन दिस जब भी कोई स्टॉक है वो एक अपसाइड मोमेंटम करके पॉज लेके और एक हाई बनाता है और वहां से एक डाउनसाइड रिवर्सल शो करता है, दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर। सो फ्रेंड्स, इन पैटर्न्स को यूज करके आप एक डिसीजन बना सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज बुलिश फ्लैग। सो फ्रेंड्स, बुलिश फ्लैग पैटर्न मोस्टली जो है स्विंग ट्रेडिंग में यूज किया जाता है एंड इस पैटर्न में आप देख सकते हैं एक जो स्टॉक है वो एक हाई लगाकर कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट देता है और ये ब्रेकआउट जो होता है सस्टेनेबल है। अगर किसी स्टॉक ने यहाँ से यहाँ एक ब्रेकआउट दिया और वो अगर इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है कि वो यहाँ से एक और ब्रेकआउट देगा, जिस तरह की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स में लास्ट वीक जो है टाटा मोटर्स में इस तरह का बुलिश फ्लैग पैटर्न बना। और भी बहुत सारे शेयर हैं जहाँ पे इस तरह के पैटर्न्स देखे जा चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज डबल बॉटम। डबल बॉटम फ्रेंड्स जब भी कोई शेयर एक डाउन ट्रेंड में आता है और वहां से जब एक डबल बॉटम वो यहाँ पे बनाता है और उसके बाद वो अपने इस हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स हैं जो आप अपने माइंड में रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे आपने हेड एंड शोल्डर देखा था जो टॉप लेवल से एक रिवर्सल हुआ था, यहाँ पे आपने देखा डबल टॉप, ये डबल टॉप से जो है प्राइस का रिजेक्शन है डाउनवर्ड और ये है डबल बॉटम जहाँ पे डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मोमेंटम हो रहा है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो हेड एंड शोल्डर इसका इन्वर्टेड फॉर्म है और यहाँ पे जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वो एक अपसाइड ब्रेकआउट देता है। नेक्स्ट इज बेरिश फ्लैग। जब भी फ्रेंड्स कोई शेयर है एक उसने डाउन ट्रेंड किया और वो उस लेवल पे वेट करा और अगेन एक नीचे की तरफ वो ब्रेक डाउन हो जाता है जो एक डाउनसाइड एक ब्रेकआउट देता है, सो दिस इज कॉल्ड बेरिश फ्लैग। तो फ्रेंड्स दीज पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इन पैटर्न्स का यूज करके एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। नेक्स्ट इज असेंडिंग ट्राइंगल। इन दिस फ्रेंड्स अगर कोई स्टॉक जो है उसने एक मोमेंटम किया वो एक चैनल में इस तरह ट्रेड करता रहता है और एक ब्रेकआउट देता है, मोस्टली फ्रेंड्स दीज ऑल पैटर्न्स आर देयर इन द चार्ट्स ऑफ डिफरेंट शेयर्स। डिफरेंट शेयर्स में फ्रेंड्स आप ये पैटर्न्स देख सकते हैं और जैसे ही आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे देन यू कैन टेक द पोजिशन कॉन्फिडेंटली। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है जिससे आप इन पैटर्न्स को देख के अपनी पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर ए गुड प्रॉफिट। दिस इज बुलिश पैनेंट। सो इसमें जो है एक ट्राइंगल जिसमें ये स्क्वीज होता है, लाइक इट इज गेटिंग स्क्वीज और फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो फ्रेंड्स दीज ऑल आर डिफरेंट पैटर्न्स। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ट्राइंगल। सो इन दिस एक डाउन ट्रेंड का कोई शेयर था उसने फिर एक हॉल्ट किया और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट इज बेरिश पैनेंट और इसमें भी फ्रेंड्स एक जो है नीचे की तरफ शेयर आया और उसने एक टाइम के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो फ्रेंड्स दीज आर द डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स और आपने ये चार्ट पैटर्न्स फ्रेंड्स देखे भी होंगे बट यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको फ्रेंड्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चार्ट पैटर्न में ये पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप अगर इस चीज़ को समझ चुके हैं तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप इनमें से कौन से चार्ट पैटर्न को यूज करके आपने पास्ट में प्रॉफिट कमाया है एंड यू कैन ऑल्सो टेल कि आपने रिसेंटली इसमें से कौन सा जो है चार्ट पैटर्न किस शेयर में देखा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो। एक तरह की फ्रेंड्स आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और फ्रेंड्स अगर आपने ये समझ लिया डबल टॉप हेड एंड शोल्डर तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि रिसेंटली कौन से शेयर में किस टाइप का पैटर्न बना है जो आने वाले टाइम में एक प्रॉफिट दे सकता है। सो फ्रेंड्स
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट वी कैन कम विद मोर वीडियोज फॉर यू एंड स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज एंड वी कैन मेक मोर वीडियोज। फ्रेंड्स जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं एंड यू कमेंट ऑन अवर वीडियोज सो इट्स ए टाइप ऑफ मोटिवेशन, ये हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियोज बनाएं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।